सीधे लिए चलते हैं कोच्चि, जहां पर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक रोड शो कर रहे हैं। पुष्प वर्षा से प्रधानमंत्री के मार्ग को आच्छादित कर दिया गया है। भीड़ को देखकर वो स्वयं पैदल ही लोगों के बीच पहुंच गए। केरल में ये कोच्चि में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो है। कर्नाटक में चुनाव होने वाले हैं, 10 मई को वोटिंग होनी है, लेकिन उससे पहले दक्षिण के राज्यों में इसे बड़ा आउटरीच बीजेपी की तरफ से कहा जा सकता है। स्टार की भी इतनी लोकप्रियता नहीं होगी। दुनिया के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्रियों में शुमार किए जाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने लोगों के बीच कोच्चि में ये सड़कों से गुजरते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी, इसका वर्णन करना भी शायद, अगर हम कर्नाटक छोड़ दें तो लगभग हर जगह उसकी उपस्थिति नहीं के बराबर है। ऐसे में केरल हो, तमिलनाडु हो, कई जगहों पर प्रधानमंत्री लगातार दौरे कर रहे हैं और ये पारंपरिक वेशभूषा भी आप देख रहे हैं केरल की, जिसको पहनकर प्रधानमंत्री वहां पर रोड शो कर रहे हैं। इससे पहले और एक कोशिश है दक्षिण के राज्यों में भी बीजेपी के रीच को, उसकी पहुंच को और लोगों के बीच पीएम के जरिए एक पैट बनाने की। अब अपने एसएच कॉलेज ग्राउंड जहां पर युवम देगा यूथ कॉन्क्लेव को प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे, ग्राउंड पर वो पहुंचने की तैयारी। ये दृश्य जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, राजेश राज देख रहे हैं, जैसे सड़कों को गेंदे के फूल से पाट दिया गया है। लगातार जो गाड़ी के शीशे हैं वो साफ करने पड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री स्वयं पैदल चलकर लोगों के बीच में पहुंचे हैं और अब वो अपनी गाड़ी पर एक तरह से गेट पर बाहर जो जिसको कहते हैं, जिस तरह से वो हाथ पकड़कर आपको बता दें, प्रधानमंत्री यहाँ पर खड़े हो जाते हैं। अभी लगातार अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इस रोड शो के अलावा एक यूथ कॉन्क्लेव होगा, एक बिशप्स मीट भी है वहाँ पर, जिसमें पादरियों के साथ मुलाकात भी है। ये सब पीएम कर रहे हैं वहाँ पर, वो देखने को बनता है। और इतनी बड़ी प्रधानमंत्री ने दरअसल यहाँ पर केरल में कई सारे प्रोजेक्ट शायद अकल्पनीय था पहले की शुरुआत की है, संपादकीय सलाहकार विनोद और ये अब जुड़े हुए उनसे भी कार में वो सवार होकर आगे बढ़ रहे हैं। सवाल जो है विनोद जी, आपको लगता है कुछ वर्षों पहले तक सुदूर केरल में, दक्षिण भारत में और किसी भाजपा नेता की, क्योंकि प्रधानमंत्री भी बीजेपी के बड़े लीडर माने बताया जा रहा है, लगभग 1.2 किलोमीटर का ये रोड शो है प्रधानमंत्री का, 1.8 किलोमीटर लॉन्ग स्ट्रेच, बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन कभी जो दरअसल खत्म होगा सेक्रेड हार्ट कॉलेज थेवारा में। क्या वजह, प्रमुख वजह, पीएम यहाँ पर युवाओं से मिलेंगे, इसे युवम कॉन्क्लेव कहा जा रहा है। और युवम कॉन्क्लेव में हिस्सा लेने के बाद वो अलग अलग जो क्रिश्चियन गुट है उनके मुखियाओं से भी मुलाकात कर रहे हैं। ये समझने की जरूरत है और ये कैसे वक्त पर हो रहा है जब दक्षिण भारत में, खास तौर पर केरल में, कई सारे ऐसे चर्च हैं जिन्होंने ये वादा किया है कि वो आने वाले चुनाव में बीजेपी का समर्थन करेंगे और पीएम एक कोशिश कर रहे हैं कि उनके साथ बातचीत के जरिए एक रास्ता बनाया जाए। आपको बता दें सीधे आम आदमी से अपना संवाद बनाने की कोशिश प्रधानमंत्री के जरिए बताता है कि जब एक ये बीजेपी का दक्षिण के राज्यों में नए सिरे से अपनी पहुंच और पैठ बनाने की कवायद दिख रही है। लगभग 1.2 किलोमीटर का बताया जा रहा है ये रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां पर चल रहा है। विपक्ष के लीडर जो आज हम देख रहे थे कि ये इस डाइनिंग रूम से उस डाइनिंग रूम में, इस विपक्ष के नेता उस विपक्ष के रूप में वो मिल रहे हैं। और जो दक्षिण के राज्यों में अगर बीजेपी इस तरह से ये आप देख रहे हैं, पुष्प वर्षा दोनों तरफ से उन पर होती हुई और भारी सुरक्षा की मौजूदगी में, लेकिन वहां पर रोड शो, आम लोग सड़क किनारे खड़े हैं और बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए केरल में अपना आउटरीच बनाने की कोशिश में दिखाई देती है। फिर उसका जो चमत्कार है, करिश्मा है, वो किस रूप में पब्लिक रूप में दिखता है। तो सवाल सीधा है, ये राजनीतिक मैसेज भी है कि जब तक आप जनता से नहीं जुड़ेंगे या जनता का जुड़ाव आपसे नहीं होगा, तब आप 2+2=4 करेंगे तो ये राजनीति में कभी भी सक्सेस नहीं होता है। राजनीति में सक्सेस तब होता है
जब उसका राजनीतिक नेतृत्व का सीधा जनता से संवाद होता है। प्रधानमंत्री की लोकप्रियता का एक पैमाना अगर आप देखिए तो छतों पर खड़े लोग, सड़कों पर खड़े लोग यहाँ पर प्रधानमंत्री के पिक्चर्स, उनकी वीडियोस बनाते हुए, उनकी तस्वीरें लेते हुए, लगभग 2 किलोमीटर का एक पूरा सफर है, 1.8 किलोमीटर जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक, जिसमें प्रधानमंत्री जा रहे हैं और लोगों से सीधा वो रोड शो के जरिए संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। दक्षिण भारत में अगर बीजेपी अपने पीएम का एक तरह से नरेंद्र मोदी का इस्तेमाल करके, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तेमाल करके एक पैठ बनाने की कोशिश में दिखाई देती है, एक पकड़ बनाने की कोशिश दिखाई देती है, उनकी लोकप्रियता का पैमाना वो भारी मौजूदगी जो सड़क के दोनों तरफ इस वक्त कोची में दिखाई देती है, पॉलिटिकल पार्टी का होता है, बीजेपी का अभी भी संघर्ष जारी है, लेकिन अगर उस इलाके में पीएम का ये